स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात हरदा की, पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। मामले का छठा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देवास से अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। पटाखा फैक्ट्री का पार्टनर था अभिषेक। 5 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, हरदा विस्फोट मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। छठा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। बता दें अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और उनसे भी लगातार पूरे मामले में पूछताछ जारी रही। अब बड़ी सफलता प्रशासन को, एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हरदा का हम जिक्र कर रहे हैं, बड़ा ब्लास्ट हुआ, कई सारी जानें चली गईं और उसके बाद लगातार प्रशासन सक्रिय है और आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है। लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है। एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण तवर हमारे साथ हरदा से जुड़ गए हैं। प्रवीण, एक और गिरफ्तारी, प्रशासन को सफलता मिली है? हाँ जी, हाँ ऋषि जी, हरदा में 6 फरवरी हाँ जी, उसके बाद लगातार आरोपी की गिरफ्तारी मामले में जारी है। अभी तक लगभग 5 आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने कल तक किए थे। आज एक और आरोपी जिसको देवास जिले के खाते गांव से गिरफ्तार किया गया, अभिषेक अग्रवाल उसका नाम है। यह आरोपी जो है राजेश अग्रवाल का पटाखा फैक्ट्री में पार्टनर था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके हरदा लाया जा रहा है और उससे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। जहां तक ऋतु जी इस पूरे मामले की बात है, अभी तक इसमें सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, रफीक खान उर्फ मन्नी और आशीष और अमन की जो गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। लगभग अभी तक 6 आरोपी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और जहां तक हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 लोगों को आरोपी बनाया और जल्दी जो बचे हुए आरोपी उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की जाएगी। जी ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो वहीं हरदा में रेलवे ट्रैक के पास बम मिले हैं। 5 बोरियों में भरकर सूतली बम रखे हुए थे। रेलवे ट्रैक के पास नहर में ये बम पाए गए हैं। पलाशनेर गांव में बम से भारी बोरियां मिली हैं। बम की जो बोरियां थी वो मिली हैं। पुलिस ने बम से भरी बोरियां जब्त कर ली है। फिलहाल सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से सूतली बम का जखीरा जो है बरामद किया गया था। 12 ड्रम लगभग थे जिनको जब्त किया था। आज भी ये बोरियां मिली हैं जिसमें सूतली बम भरे हुए थे। अब भी लगातार जो है इस मामले में कार्रवाई जारी है। सतना में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। 100 से ज्यादा लोगों ने अतिक्रमण किया था। निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। पीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के शंखनाद के लिए नहीं बल्कि जनता का आभार जताने के लिए आए हैं। उन्होंने आदिवासियों को देश का गौरव बताया, साथ ही भरोसा दिया कि उनके सपने पूरे होंगे और कहा कि ये मोदी का संकल्प है। पीएम ने 7300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करने पहुंचे। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उराव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर हमारा आदिवासी साफा पहना रहे, स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी से आग्रह, जोरदार ताली बजाएं। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उराव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर हमारा आदिवासी साफा पहना रहे, स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। झाबुआ में पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ता को बूथ मैनेजमेंट का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि इस बार हर बूथ पर अगर 370 वोट ज्यादा मिलेंगे तो 370 सीटें मिलना पक्का हो जाएगा। ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए।
करेंगे, यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है, लाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे, सरकार के काम उसको बताएंगे, उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे, बताओगे। अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट अपने गुजराती में 370 कहिए ने, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए, अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भी दिया, सुनिए। बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, ये बयान उन्होंने दिया। अब 2024 में कांग्रेस का सफाया तय है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है, जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दल दल में फंस चुकी है, वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है, जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं, यानी लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। नरसिंहपुर में श्रम और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिपराहा में मां नर्मदा के घाट पर अधिकारियों के साथ बनने जा रहा बांध को लेकर चर्चा की। वो पिपराहा में ही रात को रुके थे और सुबह मां नर्मदा के घाट पर अधिकारियों के साथ पहुंचे। आज वो पिपराहा में बनने जा रहे बांध को लेकर आदिवासियों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर चर्चा भी करेंगे। आज हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे गरीब आदमी छोटे से गांव में हमें बहुत बढ़िया लगा, यहाँ से आते रहेंगे तो हमारा तो बहुत खुल गए, समझ ली। अभी ती है का साहब जो बांध में बन रहा हो, जो भी अच्छो है बन रहा हो, सबके लाने फायदा है, मन हो जो बस्ती भर में बिगड़े थे जा है जी। मंत्री जी से आपने बताया है जी? बताए थे
क्या क्या समस्याएं हल कराई? समस्या रोड की हती जाई, नल बिजली सब होगा हमारे पास। बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। क्या खाया था हमने? गांकर टिक्कर दाल भात। कभी सोचा था?